लीनियर प्रोग्रामिंग में टॉपिक चला है सेंसिटिविटीज एनालिसिस का, वीडियो नंबर 8 है। तो इसमें जो तो आर्टिकल्स कर रहे हैं एडिशन ऑफ ए न्यू वेरिएबल्स टू द प्रोग्राम, ठीक है। इन इफ ए न्यू वेरिएबल इन इंट्रोडक्शंस इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूश introduced in LPP whose optimal solution has been obtained. ठीक है, यानी कि इसमें एक न्यू जो है वेरिएबल्स ऐड हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इसमें न्यू वेरिएबल्स इसमें ऐड हो जाता है विद द रेट, यानी कुछ ना कोई रेट के अकॉर्डिंग होगा। एंड देन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विल रिमेन फिजिबल, ठीक है। यानी कि तो प्रॉब्लम जो है तो सॉल्यूशन होगा, देन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम रिमेन फिजिबल होगा। देन एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा वेरिएबल, एक्स एन इसका वन टू द प्रॉब्लम विल इंट्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा कॉलम। इसको सेव करेंगे अल्फा एन प्लस वन से, इसको लेट कर लेंगे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा इसमें वेरिएबल्स ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा वेरिएबल एक्स एन प्लस वन टू द प्रॉब्लम विल इंट्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा कॉलम अल्फा एन प्लस वन से इसको डिनोट किया जाएगा। अल्फा एन प्लस वन टू द कोफिशेंट ऑफ टू द, यानी कि ये किसका कोफिशेंट होगा, टू द कोफिशेंट कोफिशेंट मैट्रिक्स ए एंड एन एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट सी एन प्लस वन, कॉन्स्टेंट नहीं है, कॉस्ट होगा एन एक्स्ट्रा कॉस्ट, यानी कॉस्ट अलग से दे रखा होगा क्वेश्चन में। सी एन प्लस वन विल बी इंट्रोड्यूस इन द प्राइस, ठीक है। यानी कि सी एन प्लस वन को भी इस प्राइस में, प्राइस सी के अकॉर्डिंग उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि कोई प्रॉब्लम्स होगी इसमें न्यूमेरिकली कराएंगे तब ज़्यादा बेटर रहेगा। ये था एडिशन ऑफ ए न्यू वेरिएबल टू द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम इस वीडियो में लगा दे रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग एल पी पी मैक्समाइज ऑफ सेट इक्वल टू द 3x1 प्लस का 5x2 एंड सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट द x1 प्लस का x3 इक्वल टू 4 एंड 3x1 प्लस का 2x2 प्लस का x4 इक्वल टू 18 एंड x1 x2 x3 एंड x4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ ए न्यू वेरिएबल x5 इज इंट्रोड्यूस्ड इन द अबव LPP विद प्राइस 7, यानी कि उसका प्राइस दे रखा है। ये एक न्यू वेरिएबल x5 को इसमें ऐड करना है या इंट्रोड्यूस करना है विद प्राइस 7। देन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम थी वो क्या हो जानी चाहिए, यानी कि मैक्समाइज ऑफ जेड की जगह हम जेड डैश मान लेंगे इक्वल टू होगा 3x1 प्लस का 5x2, जो कॉस्ट है 7x5 हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें ऐड हो गया है एंड सब्जेक्ट भी चेंज होगा, सब्जेक्ट 2 होगा x1 प्लस x2 प्लस का x5 इक्वल टू 4 एंड 3x1 प्लस का 2x2 प्लस का x4 प्लस का 2x5 इक्वल टू 18, ठीक है। ये सब्जेक्ट भी चेंज हो गया, 3x1 प्लस 2x2
एक्स फाइव में टू एक्स फाइव नहीं होना चाहिए, यानी एक्स फाइव ही होगा, एक्स फाइव इक्वल टू 18। बेहर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एंड एक्स फाइव इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्विंग ले लेना है ना, टेबल बना के इसका थोड़ा बहुत सॉल्विंग लेना है, ठीक है। और देखते हैं इसकी क्या क्या कंडीशंस पॉसिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या बन सकती हैं। आगे बनाना है इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में जो होगा इनिशियली वाली लिया जाएगा, इनिशियली वाली जो स्टार्टिंग वाली थी ये, इनिशियली वाली को लेंगे वन थ्री फाइव जीरो जीरो, हाँ टेबल चेक कर लेंगे वन, उसमें फोर एटीन हो जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स थ्री इक्वल टू फोर है, एक्स वन प्लस ये एक्स टू नहीं है, एक्स थ्री है, ये तो कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, एक्स वन प्लस एक्स थ्री, हाँ एक्स वन प्लस एक्स थ्री, ठीक अब सही है, अब टेबल मैच कर रहा है बढ़िया से, एक्स वन प्लस एक्स थ्री इक्वल टू फोर, एक्स वन प्लस एक्स थ्री इक्वल टू फोर है, ठीक है। इनिशियली पहले सोल्व कर लेते हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज कंडीशन निकाल देते हैं एलपीपी बना के, फिर जो रिवाइज्ड है जो बाद में एलिमेंट उसमें ऐड किया गया है ये वाला, फिर इसके अकॉर्डिंग निकाल दिया जाएगा, ठीक है। उस पर भी सेम वैसी उसी तरह से सॉल्यूशन लेना होगा, ठीक है। तो दो इसके स्टेप होंगे, एक तो पहला स्टेप होगा एक दूसरा स्टेप होगा, यानी कि पार्ट फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग ये जो कंडीशंस है ये तो अलग हुआ ना, यानी कि जेड एस इक्वल टू है थ्री एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू प्लस का सेवन एक्स फाइव, इसको अलग नोट कर दें, एंड एक्स वन प्लस का एक्स थ्री प्लस का एक्स फाइव इक्वल टू फोर, एंड थ्री एक्स वन प्लस का टू एक्स टू प्लस का एक्स फोर प्लस का एक्स फाइव इक्वल टू 18। चलो इसे बाद में सॉल्व करना है, तो पार्ट फर्स्ट में पहले से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में जो टेबल्स लिया जाएगा, यानी कि मैक्सिमाइज ऑफ जेड इक्वल टू थ्री एक्स वन प्लस का फाइव एक्स टू था, एक्स वन प्लस का एक्स थ्री इक्वल टू फोर था, एंड थ्री एक्स वन प्लस का टू एक्स टू प्लस का एक्स फोर इक्वल टू 18 था। तो ये सब यहाँ पे कंडीशन है कि इनके अकॉर्डिंग टेबल बनाते हैं, ये होगा बी सी बी और ये हो जाएगा सी जे एंड ये एक्स बी एंड सी जे में हो जाएगा यहाँ पे थ्री, ये फाइव ज़ीरो ज़ीरो, ये सी वन ये सी टू ये सी थ्री एंड ये सी फोर, यहाँ पे होगा बाई वन बाई टू बाई थ्री एंड बाई फोर, और यहाँ पे होगा बाई थ्री बाई फोर एंड उसमें हो जाएगा फोर एंड नहीं नहीं स्टार्टिंग ये तो ज़ीरो ज़ीरो लिया जाएगा, फोर एंड 18। इसमें एक्स वन वन है, एक्स टू ज़ीरो है, एक्स थ्री वन है, ये ज़ीरो है, यहाँ पे थ्री टू ज़ीरो वन, ठीक इस तरह से यहाँ पे कंडीशन बनेगी, यानी कि टू से डिवाइडिंग करेंगे तो मिनिमाइज 18/2 इक्वल टू 9, मिनिमम रेशो 18/2 इक्वल टू 9 बनेगा, मिनिमाइज बनेगा। तो अब क्या करना है, इसका सॉल्यूशन जेड इक्वल टू सी बी इंटू एक्स बी, ज़ीरो ही आएगा स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि सी बी और एक्स बी ये जीरो ये लिया जाएगा, जीरो इंटू फोर होगा, ठीक है, जीरो इंटू फोर इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब बात आती है डेल्टा जी के लिए, डेल्टा जी यहाँ पे डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री एंड डेल्टा फोर निकाले जाएंगे। तो डेल्टा वन इक्वल टू सी वन माइनस का सी बी, यानी कि थ्री माइनस का ज़ीरो इंटू वन, यानी कि थ्री हो जाएगा। डेल्टा टू हैगा फाइव माइनस का ज़ीरो, फाइव आ जाएगा, और ये ज़ीरो माइनस का ज़ीरो ज़ीरो, और ये भी ज़ीरो आ जाएगा। तो थ्री फाइव जीरो ज़ीरो यहाँ पे आ चुका है डेल्टा की क्वांटिटीज़। अब लेंगे बाई थ्री बाई टू, यहाँ पे ज़ीरो फाइव हो जाएगा, बाई थ्री वाला ज़ीरो है एंड बाई टू में बाई टू ये फाइव रखा है, फाइव आ जाएगा। अब देखेंगे वहाँ पे टू था तो उस लाइन को टू से डिवाइडिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा नाइन, ये ज़ीरो फाइव है, टू से डिवाइडिंग किया नाइन, थ्री बाई टू वन, ज़ीरो वन बाई टू, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम
नहीं होती। अब ऊपर वाली कंडीशन से कहाँ, ऊपर वाली कंडीशन था 4 बन 0, वहाँ पे जीरो बना बन बनाना था, नहीं जीरो बनाना था, इसके ऊपर बनाना होता है। अगर यहाँ कुछ होता तो बनाया जाता जीरो, वहाँ पे ऑलरेडी जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही उतार देंगे। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है, अरे कभी तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन करते हैं कभी नहीं करते हैं। तो वो बात समझने वाला पॉइंट है कि यहाँ इसके ऊपर वाला एलिमेंट है, अगर बन कुछ होता तो उसको इससे सब्ट्रैक्टिंग करके यहाँ से इस वाली रिएक्शन से और इससे जीरो बनाई जाती, तो ऑलरेडी जीरो है तो उसमें कोई कुछ करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, तो वैसी रख दी जाएगी और जैसी की थी वैसी की वैसी हो जाएगा। जेड निकल टू सी बी इंटू एक्स बी, अब यहाँ पे मिनिमाइज बन पाएगा इससे 1/4, 1/4 से तो वहाँ पे ये फिक्स किया जाएगा, ये वाला फिक्स करेंगे तो ये यहाँ से निकलेगा सी बी इंटू 5 × 9 5 × 45 एंड डेल्टा जे निकालेंगे, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 एंड डेल्टा 4 निकालते हैं तो वो आ जाएगा डेल्टा 1 इक्वल टू सी 1 यानी कि 3 माइनस का सी बी 5 × ये 3/2। ठीक है, तो निगेटिव में आएगा 3 − 15/2, ये चेक करना निगेटिव है कि पॉजिटिव है, यह होगा 5 − 5 − 5 × 1 0 आ जा रहा है, और नेक्स्ट होगा 0 − 5 × 0 0 होगा, और नेक्स्ट हो जाएगा 0 − 5 × 1/2 यानी कि −5/2 नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में बनेगा। तो डेल्टा की जो क्वांटिटीज हैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 एंड डेल्टा 4 चेक किए जाते हैं नेगेटिव है कि नहीं। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज ऑफ जेड आ चुका है 45 एंड x1 0 है एंड x2 हमारा 9 मिला है, x2 यहाँ पे 9 मिला, y2 के सामने ये x2 होगा और ये x3 हो जाएगा, 4 क्या होगा x3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 = है x3 एंड 9 = ये है x2, x2 9 है एंड x3 = 4 है एंड x4 भी 0 है, x4 वाला टर्म भी 0 है, ये 0 है। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन हमको मिल चुका है, मैक्सिमाइज ऑफ जेड हमारा 45 आ चुका है। तो ये पहली कंडीशन इनिशियली कंडीशन हो गया, पार्ट फर्स्ट हो चुका है, अब प्लान पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट सेकंड या सेकंड पार्ट में, अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, द ड्यूल ऑफ द न्यू एलपीपी, जो न्यू एलपीपी बना है उसको अकॉर्डिंग सॉल्विंग करना है। ठीक है, तो न्यू एलपीपी के अकॉर्डिंग पहले हमको मैक्सिमाइज कंडीशन वगैरह ये सब उसमें निकालनी पड़ी होंगी, टेबल बनाते हैं, ये का बी सी बी वही सब होना है, बाई थ्री बाई टू में लिया जाएगा अच्छी बार बाई ज़ीरो, क्योंकि बाई टू वहाँ पे 5 आ चुका है, लास्ट वाली लाइन के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, है ना, जहाँ पे 4 9 था 0 5 और यहाँ पे 4 9 था, लास्ट वाली जो उसमें सिंप्लेक्स टेबल में लास्ट वाली लाइन थी बाई थ्री बाई टू में, वहीं से लेके चलेंगे स्टार्टिंग करेंगे एंड सी जे, और ये बनेगा एक्स बी एंड 3 5 0 0 7। ठीक है, वहाँ पे 7 ऐड किया गया, C1 C2 C3 C4 एंड C5। ठीक है, C5 वहाँ पे ऐड किया है, प्राइस था उसका 7। ठीक है, तो उस प्राइस को ऐड किया गया है, उसके अकॉर्डिंग इसको लिया जाएगा, और ये Y1 Y2 Y3, ये Y3 ये Y4 ये Y5 इस टर्म में अगर लेते हैं तो ये था 1 0 1 0 1 एंड ये 3/2 3/2 1 0 1/2 एंड 1। देखिएगा ये कहाँ से लिया है, ये आप मान सकते हैं ये सबसे लास्ट वाली जो पिछली टेबल बनी थी अभी, वहाँ से ये एलिमेंट ये एंड ये रखे गए, ये दो बाई फाइव के लिए गए हैं 1 1। ठीक है, क्योंकि इनमें इनिशियली में बाई फाइव ऐड किया गया था। ठीक, वहाँ से अगर 1 से डिवाइडिंग करते हैं तो मिनिमम रेशो बनेगा, तो 4/9 4/1 = यहाँ पे मिनिमम बनेगा। ठीक है, और तो यहाँ पे डेल्टा जे निकाला जाएगा, नेक्स्ट ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा 5, यहाँ पे जो जेड डेस मानेंगे इसको सी बी इंटू एक्स बी 5 × 9 5 × 45। तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी 45 चल रहा था, तो इनिशियली तो वही रहेगा 45 ही रहेगा,
आगे की ओर चेंज हो सकता है। तो डेल्टा वन अगर निकालेंगे तो ये आएगा माइनस का 9/2 और यह रहे 0 0 माइनस का 5/2 एंड 2। देखिए निकाल सकते हैं डेल्टा वन इक्वल टू क्या होगा, सी वन माइनस का सी वी इंटू वाई वन। सी वन, सी वन वो फिक्स किया है, सी वन तो ये 3 है, सी वी 5 है एंड वाई वन 3/2 होगा, 3/2 होगा, यानी कि 3 माइनस का 15/2 इक्वल टू 2 एलसीएम, 6 माइनस का 15 यानी कि माइनस का 9/2 आ गया है। एंड डेल्टा 2 इक्वल टू निकलना सी 2 माइनस का सी वी इंटू 5/2, तो 5 माइनस का 5 इंटू 0 या y2 अच्छा y2 में क्या प्रॉब्लम, y2 1 है, 0 आ गया, ठीक है। डेल्टा 3 अगर निकालते हैं तो डेल्टा 3 सी 3 माइनस का सी बी एंड वाई 3, तो सी 3 0 है, सी बी 5 ही रहेगा एंड वाई 3 0 है, 0, ठीक है। ऐसे डेल्टा 4 आ जाएगा, डेल्टा 5 आ जाएगा। तो इसी तरह से ये डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड डेल्टा 4 की क्वांटिटीज़, हम सारी क्वांटिटीज़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टेबल्स आ चुका है, उसके आगे अगर एक स्टेप बढ़ते हैं तो वाई 5 एंड वाई 2, वाई 5 में 7 है, उसका यूज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूज़ किया नहीं गया है। और वाई 2 में क्या चल रहा है, तो 5 चल रहा था, ओके 5 चल रहा है। और नेक्स्ट स्टेप इसका आगे बढ़ाते हैं, ये इसमें 4 था और यहाँ पे 5 वाले में 5 आएगा, देखिएगा उसको किस तरह से हमको लेना है। वहाँ पे 1 था तो 1 से डिवाइडिंग कर देते हैं, 4 ही वही रहेगा, कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जो होता है जिसको जिससे रोकते हैं उसी से डिवाइडिंग कर दिया जाता है, और हमने डिवाइडिंग किया है 1 से, तो कोई इफेक्ट मेरिट उसमें नहीं बना है। अब इसको जो है इसको 0 बनाना है भाई, किसको 0 बनाना है, ये 0 बनाया जाना है। तो इसको अगर हम R1 माने और इसको अगर हम R2 माने, ठीक है, इसको R1 इसको R2 माने, तो यहाँ वाली लाइन R1 माइनस R2 से बन जाएगी, R1 में से R2 घटा दें, हाँ, 5 9 माइनस का 4 5 आएगा एंड 3/2 माइनस का 1, 3/2 में से 1 घटाएगा 1/2 आएगा एंड 1 में से 0 घटाएंगे, 1 में 0 घटाएंगे ये आएगा एंड 0 माइनस 1 एंड 1/2 माइनस 0 1/2 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन आ चुकी है। उसके बाद लेना है हमको जेड डैश यानी कि मैक्सिमम सॉल्यूशन सी बी इंटू एक्स बी, सी बी इंटू एक्स बी। इनिशियली में ये क्या था, वैसे तो कम हो जाएगा क्योंकि ये 53 आ रहा है और ऐसे जो है यहाँ पे कुछ रिएक्शन ही की गई हैं, यानी कि आगे एक्स वन एक्स टू सब पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर निगेटिव होती तो आप सोच सकते थे, जब अगर निगेटिव होता तो इसी के अकॉर्डिंग ले लिया जाता, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिक्स तो ये एलिमेंट होगा ही, वन वाला रहेगा ही, तो यहाँ पे 5×5=25 आ जाना चाहिए था, 5×5=25, क्योंकि कम हो जा रहा है, ठीक है, कम हो जा रहा है, परंतु कम नहीं होना है, ठीक है। यानी इसमें जो रिएक्शन हुई है उनको लेके रखा जाएगा। उनको यूज करना यहाँ पे पड़ेगा, 7 9 63 9 था पहले, हाँ 9 था और 7 वो इसका प्राइस रेट जुड़ा है, सी भी यहाँ पे 7 हो जाएगा, है ना, 7 × 9 और इनिशियली में 9 था, है ना, वो प्राइस हुआ है 7, प्राइस 7 हुआ है ना, और इनिशियली में यहाँ क्या था, 9 था, तो 7 × 9 हो जाएगा, है ना, बाई 2 में 9 था और इनिशियली में क्या था, 7 था, नहीं 7 के टर्म में लेना है, वाई 5 से निकालेंगे तो सेलेक्ट इसको माना है, तो यहाँ से 25 आ रहा है, यहाँ से 7×28 आ रहा है अगर इसको लेते हैं, और 7 9 63 आ जाएगा अगर 9 रखते हैं तो वहाँ पे, तो 9 7 9 63 63 आना चाहिए, आंसर के अकॉर्डिंग 53 आ रहा है, 53 किस पढ़ाई में आता है,
51 38 54 होता है, किसी बाड़े में नहीं आएगा, 63 आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे 9 अगर था और सी अगर हमारा प्राइस सी है और ये एक्स पी हमारा मान लिया 9 है, प्राइस 7 है, ये 9 है, 963 63, तो मैक्सिमम 63 बन पाएगा। हो सकता है कि इस तरह की प्रॉब्लमें बन जाती हैं, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा 5 सब निकाल लिया जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 13/2 माइनस का 13/2 एंड 0 माइनस का 2, सब निगेटिव आ जाएंगे। जब निगेटिव आ जाते हैं तो सॉल्यूशन इज़ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो कंडीशन हमको यहाँ पे मिल चुकी है, क्या क्या मिल चुकी है, एक्स वन इक्वल टू 0 चल रहा है, एक्स टू इक्वल टू 5, एक्स टू 5 ये बाई 2 में एक्स टू होगा, ये एक्स 5 हो जाएगा, एक्स 3 0 है, एक्स 4 भी 0 है एंड एक्स 5 हमारा 4 है एंड मैक्सिमाइज ऑफ जेड डैश इक्वल टू 63 है, ठीक है। ये हमको सेकंड सॉल्यूशन मिल चुका है, जो इसमें चेंज करते हैं तो उस तरह से इसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया जाता है।